हाँ भाई बच्चों, लास्ट टाइम हम लोग नंबर वाला प्रॉब्लम कर रहे थे, ठीक है, जो नंबर वेस्ट प्रॉब्लम था, न्यूमेरिकल वेस्ट प्रॉब्लम था वर्ड प्रॉब्लम में। अब इसके बाद हम लोग आते हैं स्पीड और डिस्टेंस रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है। कहाँ पे आते हैं हम लोग? स्पीड और डिस्टेंस रिलेटेड प्रॉब्लम पे। सही है, कोई दिक्कत? नो सर। अब सुनो मेरी बात, देखो फर्स्ट क्वेश्चन, इनके कॉन्सेप्ट आपको बता दिए गए थे, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल में। सही है, अप स्ट्रीम में क्या करना है, नेट स्पीड के लिए माइनस करते थे, डाउन स्ट्रीम में प्लस करते थे। सही है, ये सब कॉन्सेप्ट आपको बता दिया गया है, तो मैं कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, क्वेश्चन पे सीधा आऊँगा। क्या बोला गया है फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टील वाटर इज 8 किलोमीटर पर आवर। एक बोट का स्पीड स्टील वाटर में कितना है? 8 किलोमीटर पर आवर है। इट कैन गोज 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम। ये 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम गया, मतलब पानी जिधर जा रहा था उसके उल्टे साइड में। सही है, एंड 22 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 5 आवर्स। और 22 किलोमीटर कहाँ गया? डाउन स्ट्रीम मतलब पानी के डायरेक्शन में, डाउन स्ट्रीम मतलब पानी जिधर बह रहा हो उधर ही। कितने देर में मिलाकर, दोनों को टाइम मिलाकर कितना हुआ? 5 आवर्स। फाइंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, क्या बताओ स्पीड ऑफ स्ट्रीम? तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना हो जाए भाई? स्पीड ऑफ स्ट्रीम हो जाएगा कितना, एक्स जूम कर लेता हूँ, कितना? एक्स किलोमीटर क्या पर आर, ठीक है। हाँ सर, कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। अब सुनिए मेरी बात, नेट स्पीड इन, अच्छा स्पीड ऑफ क्या बोलते हैं, बोट कितना दिया गया है इन स्टील वाटर? 8 किलोमीटर पर आवर ना। तो नेट स्पीड इन अप स्ट्रीम में नेट स्पीड कितना हो जाएगा? बोट का जो स्पीड है स्टील वाटर में माइनस क्या, स्ट्रीम का स्पीड, यही ना। अरे भाई अप स्ट्रीम किसको बोलते हैं? पानी इधर बह रहा हो, आदमी इधर आ रहा हो, तो आदमी का स्पीड मैं बोला था क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए, तभी तैरा पाएगा। तो आदमी का स्पीड माइनस क्या, पानी का स्पीड, तो 8 माइनस x हो जाएगा। और नेट स्पीड इन क्या, डाउन स्ट्रीम फाइंड कीजिए, तो डाउन स्ट्रीम में कितना हो जाएगा? 8 प्लस क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। सही है, देख लो भैया। नाउ अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि भाई आप 15 किलोमीटर कहाँ गए हो? अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम में 15 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लग जाएगा? 15 बाई डिस्टेंस 15 है, और डिवाइडेड बाय अप स्ट्रीम में नेट स्पीड कितना है? 8 माइनस x। सही है, प्लस डाउन स्ट्रीम में कितना गए हो? 22 किलोमीटर। तो 22 किलोमीटर जाने में टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस बाई क्या, स्पीड, 22 बाई 8 प्लस x। और ये दोनों टाइम मिलाकर कितना बोला जा रहा है? 5 आवर्स। देखो भाई, ये किसका टाइम था? अप स्ट्रीम का। ये किसका टाइम था? डाउन स्ट्रीम का। अप स्ट्रीम में टाइम कैसे निकालोगे? जो भी डिस्टेंस दिया है 15 बाई नेट स्पीड। डाउन स्ट्रीम में कैसे निकालोगे? डिस्टेंस बाई क्या, नेट स्पीड, दोनों में यही करेंगे। अब यहाँ से आपको सोल्व करने आता है ना, यहाँ से सोल्व किया जाए, क्या करोगे यहाँ से? यहाँ से तो एलसीएम लेंगे सर, ध्यान देना। ये क्या आ जाएगा? 120 प्लस 15x, 120 प्लस क्या, 15x, और 170x माइनस क्या आ जाएगा? 22x। सही, और नीचे कितना आ जाएगा यार? नीचे आ जाएगा 64 माइनस क्या, x² = 5। सही है, देख लो भाई, देखो यहाँ सोल्व कर ले, ये कितना आ जाएगा? -7x और प्लस कितना, 296 = कितना आ जाएगा यार? 320 माइनस क्या, 5x². देखो भाई यहाँ तक, देखो सही है, देख लो भैया सही है, ठीक है। हाँ सर, 5x² को इधर ले आए तो 5x² इधर आकर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 5x² -7x। सही है, 5x² -7x, और 296 -320 ये कितना आ जाएगा? -24 = क्या, 0। देख लो भैया, क्वाड्रेटिक बन गया, बन गया। हाँ सर, क्वाड्रेटिक बनकर तैयार, कोई समस्या? नो सर। देख लीजिए यहाँ तक, पहला क्वेश्चन को आप लिख लिया, उसको मैं मिटा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन को लिखें, जो जिसको सोल्व कर रहे हैं उसको मैं मिटा रहा हूँ, क्वेश्चन को जो रेड कलर से लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ सर, सही यहाँ तक? जी सर, मिटा रहा हूँ भाई इसको। अब सुनिए, अब उसको सोल्व करना है और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो जिनको स्प्लिट करने आता है स्प्लिट कर लें फटाफट, जिनको नहीं आ रहा है मेरे साथ लगे रहेंगे। सही है, प्रयास करेंगे कि स्प्लिटिंग से, स्प्लिटिंग पे प्रैक्टिस अच्छा हो तो स्प्लिटिंग से ही करो। सही है, क्लियर हो? हाँ सर, कोई दिक्कत? नो सर, प्रयास करो कि स्प्लिटिंग से ही क्वेश्चन को करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई दिक्कत? नो सर। देखिए भैया, मल्टीप्लाई करो, 5 × -24 क्या आता है सर? -120। -120 आना चाहिए। हाँ सर, तो क्या लिखोगे? 15 - 8 भी 7 होता है यार, देख लो 15 - 8 कितना होता है? 7 होता है, और प्रोडक्ट -120 आ रहा है। आ रहा नहीं आ रहा है? हाँ सर, आ तो रहा है सर। तो क्या लिखोगे उसको? उसको लिखेंगे सर जी 5x² और माइनस क्या 15x और प्लस क्या 8x -24 = क्या, 0। यहाँ से 5x कॉमन लो क्या बचेगा, x -3, और यहाँ से 8 कॉमन लो तो क्या बचेगा,
एक्स माइनस थ्री इजिकल्स टू क्या जीरो, ओवरऑल एक्स माइनस थ्री कॉमन, तो एक्स की एक वैल्यू थ्री आ जाएगा और एक एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस एट बाई फाइव, स्पीड निगेटिव नहीं होगा सही है, इसको हटा दीजिए तो एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा थ्री किलोमीटर पर आवर, किसका स्पीड हो जाएगा स्ट्रीम का, देख लो भैया देख लो स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना आ जाएगा थ्री किलोमीटर पर आवर, स्क्रीन रोकिए समझिए और लिख लीजिए, मिटा रहा हूँ भाई सही है। हाँ सर कोई तकलीफ? नो सर। चलिए सेकंड क्वेश्चन भी कुछ उसी टाइप का उसको भी देखा जाए, सेकंड क्वेश्चन भी कुछ उसी टाइप का उसको भी देखा जाए सही है, देख लीजिए भैया सही है। हाँ सर बर्ड प्रॉब्लम में क्या है ना यार बच्चों कि अगर क्वेश्चन को तुम अच्छे ढंग से पढ़े हो और चीज़ों को समझे हो सही है और कॉन्सेप्ट आता है थोड़ा थोड़ा ठीक है कि भाई टाइम कैसे निकालेंगे या फिर एज वाले प्रॉब्लम में ठीक है वहाँ का जो फंड है वो सबके बारे में जानते हैं तो बर्ड प्रॉब्लम टफ होते नहीं, बच्चों को लगता है टफ, पता नहीं क्यों टफ लगता है यार मुझे नहीं समझ में आता, मैं तो पाँचवीं छठवीं क्लास में ऐसा क्वेश्चन बना दिया करता था, ए बहादुर हो तुम क्या फालतू बात करते झूठ बोलते हो सर, पाँचवीं छठवीं में तो हम टेबल नहीं जानते थे, कैसी बात कर रहे हो आप है ना, अब आप भरोसा या मत करो या मत करो, मतलब ये सब क्वेश्चन मैं फिफ्थ सिक्स क्लास में कर लिया करता था, फिफ्थ सिक्स में ये सब क्वेश्चनों को मैं कर दिया करता था, सच्चाई बताऊं तो आपसे नहीं बन पा रहा है, दिक्कत है सही है यहाँ तक। हाँ सर देख लो भैया देखो सेकंड क्वेश्चन पढ़िए यार, सेकंड क्वेश्चन क्या है बोला गया है ए मोटर बोट हुज स्पीड इन स्टील वाटर इज क्या 18 किलोमीटर पर आवर, एक मोटर है जिसका स्टील वाटर में स्पीड कितना है 18 किलोमीटर पर आवर, टेक्स वन आवर मोर एक घंटा ज़्यादा लेता है टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम दैट टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट, क्या बोला गया है एक मोटर बोट है उसकी स्पीड स्टील वाटर में कितना है 18 किलोमीटर पर आवर है, बोला गया कि ये एक घंटा ज़्यादा लेता है, ये एक घंटा ज़्यादा लेता है 24 किलोमीटर कहाँ गया है आप स्ट्रीम, पानी मान लो इधर बह रहा है सही है इधर राइट साइड में, तो इधर जाने में एक घंटा ज़्यादा लेता है किससे, जब वहीं से वो सेम स्पॉट पे लौट जाए डाउन स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम में तो उसको टाइम कम लगेगा ही लगेगा क्योंकि डाउन स्ट्रीम में उसको पानी साथ भी दे रहा है, अप स्ट्रीम में पानी उसका क्या कर रहा था वाटर क्या कर रहा था अपोच कर रहा था, तो भाई अप स्ट्रीम में टाइम तो ज़्यादा लगेगा ही, तो वही बोला गया है कि अप स्ट्रीम में 24 किलोमीटर कितना है हाँ 24 ही किलोमीटर है हाँ अप स्ट्रीम में 24 किलोमीटर जाने में एक घंटा ज़्यादा समय लगता है किसके रेस्पेक्ट में लौटने के रेस्पेक्ट में डाउन स्ट्रीम में जो लौटोगे सही है। हाँ सर चलिए तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना जूम कर लेते हैं एक्स किलोमीटर पर आवर जो भी है एक्स किलोमीटर क्या पर आवर, अब सुन लो ना देखो डायरेक्टली क्वेश्चन बना रहा हूँ ना सुन लो स्पीड ऑफ मोटरबोट कितना है 18 किलोमीटर पर आवर, तो डाउन स्ट्रीम में नेट स्पीड कितना होगा डाउन स्ट्रीम में 18 प्लस एक्स और अप स्ट्रीम में कितना हो जाएगा सर 18 माइनस एक्स, किसका टाइम ज़्यादा होगा सर अप स्ट्रीम वाला टाइम ज़्यादा होगा, अप स्ट्रीम में लेट लगाएगा आदमी सुन लो, तो अप स्ट्रीम का टाइम कितना हो जाएगा जाना कितना है आपको भैया 24 किलोमीटर, तो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जाने में कितना टाइम लगेगा 18 माइनस एक्स 24 भाई क्या 18 माइनस एक्स डिस्टेंस कितना है 24 और नेट स्पीड क्या आ जाएगा 18 किसका स्पीड है बोट का स्टील वाटर में तो 18 माइनस एक्स ये अप स्ट्रीम का टाइम आया ध्यान से समझो 24 भाई क्या 18 माइनस एक्स माइनस सेम जगह से लौटना है डाउन स्ट्रीम में तो यहाँ 18 प्लस एक्स और ये दोनों टाइम का डिफरेंस कितना है एक घंटा है देखो देख लो भैया आप भी सीखो ऐसे ही करने के लिए समझो बात को समझाओ दोबारा अरे भाई ये अप स्ट्रीम का टाइम है अप स्ट्रीम माइनस डाउन स्ट्रीम का टाइम कितना एक घंटा अप स्ट्रीम का टाइम ज़्यादा हो तो होगा ही होगा ना यार अप स्ट्रीम में आदमी लेट से पहुंचेगा डाउन स्ट्रीम में जल्दी पहुंच जाएगा तो ये टाइम बड़ा बड़ा टाइम माइनस छोटा वन आवर दिया है हाँ सर अभी समझ में आया सर सही है अब सुन लो भैया चाहो तो आप 24 कॉमन रखो और एलसीएम लो कितना हो जाएगा 18 प्लस एक्स और ये 24 चला गया है माइनस 18 प्लस क्या एक्स डिवाइडेड बाई आप मल्टीप्लाई करते तो फिर दिक्कत होता फिर 24 को 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाता ठीक है देखो कितना सस्ता हो गया कहानी सही है हाँ सर 18 से 18 क्या हो जाएगा गायब हो जाएगा ये कितना आ जाएगा 2x यानी 48x ये जो कसू कितना आ जाएगा सर जी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्या 324 देख लो भाई सही है उसको इधर ले आओ क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 ये जो कसू क्या जीरो है ना स्प्लिट कर दो किस में स्प्लिट करोगे ध्यान दो 54 6 जा 324 होता है भैया 54 × 6 और 54 − 6 ये 48 होता है देख लो कर लोगे स्प्लिट हाँ सर करो 54 − 6 में सही है हाँ सर ध्यान देना भैया क्या लिखोगे
सर जी ये हो जाएगा सर x प्लस 54 सीधा मैं स्प्लिट कर दे रहा हूँ और क्या x माइनस 6 इज इक्वल टू क्या 0। x की वैल्यू एक तो आ जाएगा क्या माइनस 54 और एक x की वैल्यू क्या आ जाएगा 6। निगेटिव स्पीड होगा नहीं तो 6 किलोमीटर पर आवर इज करेक्ट आंसर। देख लीजिए भैया देख लो ये भी कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, देख लीजिए समझ लीजिए अच्छे से मिटा रहा हूँ सही है। हाँ सर ये क्वेश्चन हो चुका था मिटा दिया मैं इसको ठीक है सॉल्यूशन में मिटा रहा हूँ भाई इसको मिटा रहा हूँ। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। देखो आराम आराम से बनाओगे कोई दिक्कत नहीं जाएगा, हबड़ाओगे तो समस्या तो बहुत जाएगी भाई, हबड़ाइएगा तो समस्या ज़्यादा जाएगा ठीक है। हाँ सर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो और जिनको समझ में आ रहा है वो बनाएं सही है। देख लीजिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रेन ट्रेवलिंग एट यूनिफॉर्म स्पीड, एक ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कर रहा था सही है। हाँ सर उसके बाद क्या बोला गया है एट अ डिस्टेंस 360 किलोमीटर, उसको कितना डिस्टेंस जाना है 360 किलोमीटर सही है। हाँ सर कोई समस्या नो सर, एक ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कर रहा था उसको डिस्टेंस जाना था 360 किलोमीटर, इट विल टेक 48 मिनट लेस, ये 48 मिनट कम लिया सही है, ट्रेवल सेम डिस्टेंस इफ स्पीड इज 5 किलोमीटर पर आवर, अगर मोर 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर ट्रेन का स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दीजिए तो 360 किलोमीटर की जर्नी जाने में वो 48 मिनट वो पहले ही पहुंच जाएगा, कम लेगा 48 मिनट टाइम कम लेगा। क्या बोला गया है ट्रेन चला टाइम से चला तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, अगर ट्रेन की स्पीड बढ़ गई कितनी 5 किलोमीटर पर आवर तो वही डिस्टेंस कौन 360 किलोमीटर, जाने में वो 48 मिनट क्या लेगा कम टाइम लेगा, अगर स्पीड बढ़ जाएगा तो टाइम क्या जाएगा कम ही होगा सही है। हाँ सर तो उसका ओरिजिनल स्पीड बताना है, फाइंड ओरिजिनल स्पीड ऑफ क्या ट्रेन, यहाँ पहला लाइन ऊपर जो है ना तो स्पीड क्या अज्यूम कर लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन कितना एक्स मान लेते हैं, स्पीड ऑफ ट्रेन कितना जाएगा एक्स सही है। नाउ टाइम कितना लगेगा, ये ओरिजिनल स्पीड है ना, हाँ सर ओरिजिनल टाइम लग जाएगा 360 बाई क्या एक्स, देख लो भाई 360 बाई एक्स टाइम क्या जाएगा डिस्टेंस बाई क्या स्पीड। नाउ न्यू स्पीड के बारे में क्या बोला जा रहा है कि नया स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दीजिए यानी x प्लस 5 हो जाएगा सही है, पुराने स्पीड से 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दीजिए तो न्यू टाइम कितना हो जाएगा, नया टाइम जो लगेगा अच्छा स्पीड बढ़ा है तो टाइम क्या घटेगा या बढ़ेगा, टाइम ये सर कम हो जाएगा, ये जो टाइम है ना ये टाइम इससे क्या रहेगा कम रहेगा सही है। तो बड़ा कौन है ऊपर वाला टाइम बड़ा है और ये टाइम क्या छोटा है क्योंकि इसमें स्पीड बढ़ गया था। हाँ सर तो ये टाइम और ये टाइम गिवन क्या है क्वेश्चन में, दोनों टाइम में डिफरेंस कितने का है, दोनों टाइम में डिफरेंस कितने का है 48 मिनट का सही है, 48 मिनट का डिफरेंस है यार दोनों टाइम में। हाँ सर इजिकल्स टू क्या 48 और बाय 60 कर लीजिए क्योंकि बाकी चीज मिनट को छोड़कर काहे में था किलोमीटर में था तो 60 कर दिए ताकि ये आर में आ जाए ठीक है। हाँ सर कोई दिक्कत नो सर, देख लो भैया अब इसको क्या करना है सोल्व करना है, क्या करोगे सबसे पहले तो 360 कॉमन निकालो, सबसे पहले क्या कॉमन निकालो 360 सही है, 360 को बाहर रखो तो 360 को बाहर रखा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा x प्लस 5 और माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई नीचे में क्या जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस क्या 5x और 48 बाई 60 इसको कैंसिल कर लो 12 4 जा 12 5 जा 4 बाई 5 सही है क्या। हाँ सर ये इसको निपटा देगा 90 टाइम्स में x x कैंसिल हो जाएगा सही है। देख लो भैया 95 जा कितना जाएगा 450 और 5 जा मल्टीप्लाई कर लो 455 आ जाएगा 2250। देख लो भैया इधर ले आओ एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2250 इज इक्वल टू क्या 0। देख लो भाई देख लो सही है, अब इसको स्पीड कितने में करोगे 50x माइनस 45x 50x माइनस 45x सही है, जिसका फैक्टर जो आएगा वो आ जाएगा एक्स प्लस 50 और एक्स माइनस 45 इज इक्वल टू क्या 0। एक्स की वैल्यू एक आ जाएगा माइनस 45 नहीं लेंगे और एक एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर। देख लो भैया देख लो यही आंसर हो जाएगा, देख लो देखो भाई सही है। हाँ सर क्लियर हो, अरे भाई पुराने वाले टाइम ज़्यादा ही होगा, क्यों ज़्यादा होगा सर नए में स्पीड बढ़ा दिया गया है तो पुराना टाइम माइनस नया टाइम का डिफरेंस कितना 48 मिनट लेंगे सही है। सेम क्वेश्चन है अगला वाला, जिनको समझ में आ रहा है बनाए, मिटा रहा हूँ सेम क्वेश्चन है आगे वाला फोर्थ नंबर
चलिए ध्यान देंगे, सेम क्वेश्चन है फोर्थ नंबर, ध्यान देंगे भैया। सही यहां तक? जी सर, मिटा रहा हूं इसको। क्या है, पढ़िए क्वेश्चन को और समझिए और खुद से बनाने की कोशिश करें, जिनको अभी भी नहीं समझ आ रहा है मेरे साथ बने रहेंगे। क्या बोला गया है, इफ स्पीड ऑफ ए ट्रेन इज 15 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर एक ट्रेन की स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर क्या हो, ज्यादा हो, सही है, मोर देन, इफ स्पीड ऑफ ट्रेन इज 15 किलोमीटर मोर देन, अगर ट्रेन की स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर क्या हो, ज्यादा हो, देन इट विल टेक, तब वो 30 मिनट लेस, तब क्या लेगा, 30 मिनट क्या लेगा, कम लेगा, कितने डिस्टेंस ट्रेवल करने में, 90 किलोमीटर, फाइंड द ओरिजिनल स्पीड। सेम क्वेश्चन है, सही है, सेम क्वेश्चन है, देख लो भैया, डायरेक्ट बना दे रहा हूं इसको, देख लो, सेम क्वेश्चन है, समझेंगे भाई आप। चलिए ध्यान दें, क्या बोला गया है, सुन लो, क्या बोला गया है कि भाई आपको डिस्टेंस कितना जाना है, 90 किलोमीटर, स्पीड नहीं पता है, स्पीड ही तो फाइंड करना है सर, तो लेट स्पीड कितना जूम कर लेते हैं, स्पीड ऑफ ट्रेन जूम कर लेते हैं, एक्स किलोमीटर क्या पर आवर, सही है क्या, हाँ सर। अब सुन लो, नाउ भैया फाइनली स्पीड बढ़ा रहे हो घटा रहे हो, 15 किलोमीटर पर आवर क्या हो रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो शुरू का टाइम कितना हो जाएगा, ओरिजिनल टाइम 90/x, और 15 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिए, तब टाइम कितना लगेगा, 19/x + 15, ये दोनों टाइम में कितने का डिफरेंस है, 30 मिनट का, कितने का डिफरेंस है, 30 मिनट का, यानी क्या 30/60 आर में आ जाएगा ये, देख लो भैया, सही है, हाँ सर, यहाँ से 90 कॉमन ले और एलसीएम ले ले, तो x + 15 और क्या जाएगा, -x डिवाइडेड में नीचे में क्या जाएगा, x² + क्या 15x इज इक्वल टू क्या 1/2, एक्स से एक्स गायब हो जाएगा, सही है, देख लो भैया। अच्छा x² + 15x की जो वैल्यू आ जाएगी, ये 15 × 2 क्या होता है 30 × 90 क्या 2700, देख लो भैया, सही है, उसको इधर ले आओ, x² + 15x - 2700 इजिकल्स टू क्या जाएगा 0, 45 - 60 - 45 15 आता है, इंटू कर लो 2700 आ जाएगा, सही है, क्या लिखोगे सर, x + 60 और x - 45 में ये ब्रेक हो जाएगा, तो एक x की वैल्यू -60 हो जाएगा जो कि नहीं चलेगा, और दूसरा x की वैल्यू 45 किलोमीटर पर आवर, यही आंसर हो जाएगा, देख लीजिए भैया, देखो सही है क्या, देख लो भाई, स्क्रीन रोक लो, समझ लो इसको, सही है, उसके बाद लिख लें, कोई दिक्कत नो सर, मिटा रहा हूँ भाई, तो ऐसे क्वेश्चन में कोई समस्या नो सर। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं और करते हैं, कुछ और क्वेश्चन डिस्टेंस स्पीड से रिलेटेड करते हैं, समझ आ रहा है, हाँ सर, कोई तकलीफ यहाँ तक नो सर, आराम आराम से समझिए, कोई तकलीफ नहीं जाएगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, समझ आ रहा है, यस सर, नहीं समझ में आ रहा है सर, सही है, हाँ सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आप मेरे साथ रहेंगे, सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन करेंगे, ट्रेन वाला ही करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रेन टेक्स ए पैसेंजर ट्रेन टेक्स क्या बोला गया, वन आवर लेस फॉर 150 किलोमीटर ऑफ अरे यार कौन सा क्वेश्चन था, चलिए, पैसेंजर ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस फॉर ए जर्नी ऑफ 150 किलोमीटर, सही है, 150 किलोमीटर, इफ स्पीड इज
फाइव किलोमीटर पर आवर मोर, फाइंड इट्स यूजुअल स्पीड, वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, फाइंड इट्स यूजुअल स्पीड, सेम क्वेश्चन है, देखे भैया सेम क्वेश्चन है, हाँ सर। तो ट्रेन का स्पीड कितना जूम कर लेते हैं, x, क्या लिखोगे, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन कितना, x, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन कितना, x, सही है यहाँ तक, हाँ सर। अब सुन लो, ए ट्रेन पैसेंजर ट्रेन ट्रैक्स वन आवर लेस, एक घंटा क्या कम, कितना देर नहीं जाना है यार, 150, तो 150 जाने में टाइम कितना लगेगा, 150 बाई x, और स्पीड कितना बढ़ा रहे हो, 5 बढ़ा रहे हो, 150 बाई क्या, x प्लस 5, ये दोनों का डिफरेंस कितना, 1, खत्म। 150 कॉमन ले, अंदर क्या बच जाएगा, x प्लस 5 और माइनस x, और नीचे क्या, x स्क्वायर प्लस 5x इजिकल्स टू 1, ए से ए कैंसल, तो x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 750 इजिकल्स टू क्या, 0। 30 माइनस 25 5 आता है, और इंटू करने पर आ जाएगा इतना, फैक्टराइज कर लो, x प्लस 30 आ जाएगा और x माइनस क्या, 25 इजिकल्स टू 0, x इजिकल्स टू 25 इज करेक्ट आंसर। देख लो भैया कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए, क्वेश्चन देखो सही है, हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सही है, हाँ सर, सेम टाइप का क्वेश्चन था, देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, ए फास्ट ट्रेन टेक्स, सेम ही है बस उसमें दो ट्रेन ला दिया है, ए फास्ट ट्रेन टेक्स, ए फास्ट ट्रेन टेक्स वन आवर लेस देन, वन आवर लेस देन, वन आवर क्या, लेस देन ए स्लो ट्रेन, ए स्लो ट्रेन फॉर ए जर्नी ऑफ, फॉर ए जर्नी ऑफ कितना, 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, इफ अ स्पीड ऑफ द स्लो ट्रेन इज, इफ अ स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन इज 10 किलोमीटर पर आवर, इफ अ स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन इज 10 किलोमीटर पर आवर लेस देन फास्ट ट्रेन, लेस देन फास्ट ट्रेन, फास्ट ट्रेन, सही है, हाँ सर। फाइंड द स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स, फाइंड स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स, फाइंड स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स, दोनों ट्रेन का क्या बताएं, स्पीड बताएं। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए भैया, देखें क्वेश्चन, ए फास्ट ट्रेन टेक्स वन आवर लेस देन, वन आवर क्या, वन आवर क्या, लेस देन ए स्लो ट्रेन, एक फास्ट ट्रेन है, एक स्लो ट्रेन से एक घंटा कम टाइम लेता है, मतलब एक घंटा पहले ही पहुंच जाता है, ठीक है, फॉर ए जर्नी ऑफ 200 किलोमीटर, जैसे मान लो स्लो ट्रेन 3 घंटा ले रहा है, तो फास्ट ट्रेन आने में कितना ले रहा है, 2 घंटा, कितने की जर्नी, 200 किलोमीटर की, इफ स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन इज 10 किलोमीटर पर आवर लेस, स्लो ट्रेन की स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर लेस देन फास्ट ट्रेन, जो स्लो ट्रेन की स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर क्या है, कम है, किसके कंपेयर में, फास्ट ट्रेन के कंपेयर में, फाइंड स्पीड ऑफ टू ट्रेन, तो फास्ट ट्रेन का स्पीड अज्यूम कर लो, फास्ट ट्रेन का स्पीड कितना ले लेंगे, x, तो स्लो का स्पीड कितना आ जाएगा, स्लो ट्रेन की स्पीड कितना आ जाएगा, कितना कम है, 10 किलोमीटर पर आवर क्या है, कम है, सही है, देख लो भैया। अच्छा नाउ अब बात वही है, मतलब आप मान लो ऐसा कि इसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर घट गई, पुराना वाला क्वेश्चन टाइप का, हाँ सर, जर्नी कितना है, 200 है ना, तो 200 जाने में किसको ज़्यादा टाइम लगेगा, स्लो ट्रेन को, तो स्लो ट्रेन का टाइम बड़ा होगा तो उसको पहले रखो, तो स्लो ट्रेन का टाइम कितना आ जाएगा, 200 बाई एक्स माइनस 10 माइनस फास्ट ट्रेन का टाइम कितना आ जाएगा, 200 बाई एक्स, अरे भाई स्लो ट्रेन का टाइम बड़ा होगा तो बड़ा टाइम माइनस छोटा टाइम कितना, 1 आवर, सही है क्या, हाँ सर, इजिकल्स टू क्या, 1, सही है, देख लो 200 कॉमन ले, क्या बच जाएगा, एक्स माइनस एक्स प्लस 10 डिवाइडेड नीचे बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस क्या 10x इजिकल्स टू क्या, 1, देख लो भाई एक्स एक्स क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, देख लो अब क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10x और माइनस 2000 हो जाएगा यार, इजिकल्स टू क्या, 0, देखो तो सही है क्या, हाँ सर। कितना कितना ब्रेक करोगे, 50 माइनस 40 है ना, तो इसका फैक्टर आ जाएगा एक्स माइनस 50 और एक्स प्लस 40 इजिकल्स टू क्या, 0, तो x की वैल्यू 50 रहेगा ना, माइनस 40 तो स्पीड होता ही नहीं है, ये किसका स्पीड आया, ये फास्ट ट्रेन का, ये किसका स्पीड है, फास्ट ट्रेन का, तो स्लो ट्रेन का स्पीड कितना जाएगा, 50 माइनस 10, स्लो ट्रेन स्पीड कितना जाएगा भाई, सर 50 माइनस 10 यानी कितना, 40 किलोमीटर पर आवर, देख लो भैया, देखो
भाई फास्ट ट्रेन का स्पीड अगर 50 रहता तो 200 जाने में कितना लेता टाइम, 200 में 4 घंटा, और ये कितना ले रहा है 5 घंटा लेगा, ठीक है वही बोला गया है। क्वेश्चन देख लीजिए, देखो भैया मिटा रहा हूँ, देखो कोई समस्या यहाँ तक? नो सर, मिटा रहा हूँ, स्क्रीन रोको और लिखो। क्वेश्चन में है कुछ नहीं, समझ समझ के बनाओगे तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, अगर समझ रहे बात को। यस सर, दिमाग पर जोर ज़्यादा डालोगे तो दिक्कत जाएगा। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? यस सर, कुछ एक और इसी टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं, दो ट्रेन वाले तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आराम आराम से बनाओ, आरडी शर्मा है तो सोल्व करते चलो, कोई दिक्कत नहीं जाएगा, है ना? एनसीईआरटी में नंबर सब क्वेश्चंस कम है, इसलिए मैं एनसीईआरटी ज़्यादा बच्चों को प्रीफर करने नहीं बोलता हूँ, ठीक है? हाँ सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखोगे क्या? एन एक्सप्रेस ट्रेन ट्रैक्स एंड एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस, 1 आवर लेस देन पैसेंजर ट्रेन। एक्सप्रेस ट्रेन है वो पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम लेता है, पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम लेता है, सही है? सही है, 1 आवर लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर डिस्टेंस। कितना जाना है डिस्टेंस दोनों को? 132 किलोमीटर। इफ अ स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर, सही है? जो किसका स्पीड, एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड है 11 किलोमीटर क्या है, पर आवर मोर है। फाइंड स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स, दोनों ट्रेन का क्या बताओ, स्पीड बताओ, सही है? हाँ सर, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस, एक्सप्रेस ट्रेन 1 घंटा कम लेता है, कितना जर्नी जाना है, 132 किलोमीटर जाने में, किसके कंपेयर में, पैसेंजर ट्रेन के कंपेयर में। और बोला गया है एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है वो 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है, किसके कंपेयर में, पैसेंजर ट्रेन के कंपेयर में। तो पैसेंजर ट्रेन का स्पीड कितना जूम कर लिया, पैसेंजर ट्रेन का जो स्पीड है वो कितना जूम कर लो, एक्स, कितना, एक्स किलोमीटर क्या पर आवर, सही है? क्लियर हो? तो एक्सप्रेस का कितना हो जाएगा, एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा सर एक्स प्लस क्या 11, सही है? देख लो भैया, देख लो, टाइम किसको ज़्यादा लगेगा, पैसेंजर को, पैसेंजर धीरे धीरे चलेगा, और एक्सप्रेस को क्या लगेगा, कम। तो पैसेंजर का टाइम माइनस एक्सप्रेस का टाइम दैट इज इक्वल टू क्या, 1, यही ना? तो पैसेंजर का टाइम कितना हो जाएगा, 132 बाई एक्स, और एक्सप्रेस का टाइम कितना हो जाएगा, 132 बाई एक्स प्लस 11। ये दोनों टाइम में डिफरेंस कितने का, 1 का, सही है? 132 कॉमन ले लेंगे, यहाँ एक्स प्लस 11 और वहाँ एक्स, तो एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 11, और नीचे में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस क्या 11x इक्वल्स टू क्या 1। देख लो भैया, देखो सही क्या? हाँ सर, अब सुनो मेरी बात, या तो कोई समस्या? नो सर, देखना भैया देख लो, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सर एक्स स्क्वायर प्लस 11x, एक्स स्क्वायर प्लस क्या 11x इक्वल्स टू 132 इंटू क्या 11। इसको तोड़ो, नहीं तोड़ो, तोड़ो 12 × 11 132 होता है ना यार, हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 11x, देख लो सब्जी सही है, 132 किलोमीटर है, हाँ सर ठीक है, यहाँ एक्स प्लस 11 और यहाँ एक्स, ठीक है? देख लो, तोड़ो कि नहीं तोड़ो,
तोड़ देता हूँ ऐसे, उसको मल्टीप्लाई नहीं करता हूँ, इसको लिख देता हूँ जानते हो क्या, 22 इंटू 6 132 होता है इंटू 11, ऐसा क्यों सर, बता रहा हूँ, सही है? हाँ सर सही है, यहाँ तक देख लो भाई, और मल्टीप्लाई करके लफड़ा हो जाएगा यार थोड़ा सा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x, अगर ये दोनों को इंटू कर लूँ, 22 को लिख दूँ 11 इंटू 2, 11 इंटू 2 और 6 इंटू क्या 11, देख लो भैया सही यहाँ तक। हाँ सर, कितना कितना ब्रेक होगा यार, मल्टीप्लाई ही कर लो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कुछ दिक्कत चला जाएगा ना, मल्टीप्लाई कर लो, 132 22 इंटू 6 ठीक ठीक, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये कितना जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना पाओगे, 132 गुने 11 1320 है ना, और प्लस 132 तो आ जाएगा 1452, एक बार चेक कर लो, 1452 इजिकल्स टू क्या 0, देख लो भाई सही है, मल्टीप्लाई करने से इतना आना चाहिए, तो कितना कितना जाओगे, डिफरेंस 11 आना चाहिए, वो 33 - 22 नहीं आएगा, 44 - 33 आ सकता है, 44 × 33 एक बार करके देखो कितना आ रहा है, ये हो जाएगा 132 और ये भी क्या हो जाएगा 130, आ तो रहा है सर है ना, हाँ सर, कितना कितना ब्रेक कर दोगे सर, एक्स स्क्वायर प्लस 44x और माइनस क्या 33x, सही है, उसको मिटा रहा हूँ, और माइनस क्या 1452 माइनस 1452 कष्ट क्या 0, यहाँ से कॉमन लो, x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 44 माइनस 33 कॉमन ले लो, तो ये x प्लस 44 बच जाएगा, कोई दिक्कत नो सर, तो x की वैल्यू 33 आ जाएगा, अगर माइनस 44 आएगा तो नहीं लिया जाएगा, ये किसका स्पीड आया, ये पैसेंजर का स्पीड आया, किसका, कौन सा ट्रेन का, पैसेंजर ट्रेन का, तो एक्सप्रेस का कितना हो जाएगा, इससे 11 ज़्यादा है, एक्सप्रेस स्पीड कितना हो जाएगा भाई, 33 प्लस 11 कितना 44 किलोमीटर क्या पर आवर, देख लो भैया देख लीजिए, कोई समस्या, नो सर समझ में आ रहा है जी सर, क्लियर हो, लिख लो यहाँ तक, लिखो जल्दी से, ठीक है, हाँ सर, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो है ना, ये सेमी टाइप के क्वेश्चन है जो करते आ रहे हैं हम लोग, वैसे ही हैं, एन एरोप्लेन लेफ्ट 40 मिनट्स लेट, एक एरोप्लेन 40 मिनट लेट हो गया ड्यू टू बैड वेदर कंडीशन, किस कारण से, बैड वेदर कंडीशन मतलब मौसम खराब था, मौसम खराब होने के कारण एरोप्लेन क्या हो गया 40 मिनट लेट हो गया, तो मौसम खराब होने के कारण क्या होता है, एरोप्लेन वगैरह अपने स्पीड को क्या करते हैं, घटा लेते हैं, धीरे धीरे जाते हैं बेचारे लोग है ना, सही है, ड्यू टू बैड वेदर कंडीशन एंड इन ऑर्डर टू रीच इट्स डेस्टिनेशन, सही है, अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचने में वो 40 मिनट लेट हो गया, 16 किलोमीटर अवे इन टाइम, उसका डेस्टिनेशन कितना दूर था 1600 किलोमीटर, इट हैड टू इंक्रीज इट्स स्पीड 400 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड, अगर उस 400 किलोमीटर पर आवर वो अपने स्पीड को बढ़ा दे, कौन, एरोप्लेन, तब वो अपने डेस्टिनेशन पे टाइम से पहुंच जाएगा, तो उसका यूजुअल स्पीड बताना है, सही है, सुन लो भैया, तो लेट स्पीड अज्यूम कर लो कितना, स्पीड कितना एक्स, नाउ स्पीड कितना था एक्स किलोमीटर क्या पर आवर, सही है, हाँ सर, अब सुन लो 1600 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, 1600 बाई क्या एक्स, और माइनस अगर 400 स्पीड को बढ़ा दिया 400 किलोमीटर पर आवर, तो एक्स प्लस कितना हो जाएगा 400, एक्स प्लस क्या 400, यानी 400 किलोमीटर पर आवर वो अपने स्पीड को बढ़ा देगा तो वो टाइम पे पहुंच जाएगा, राइट टाइम पे, और ओरिजिनल स्पीड से जाएगा तो वो क्या बोलते हो कितना मिनट, 40 मिनट लेट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40 मिनट लेट, तो ये दोनों का डिफरेंस कितना 40, यानी क्या 40 बाई क्या 60, देख लो भैया सही है, 1600 कॉमन ले लें क्या बच जाएगा, x प्लस क्या 400 और माइनस x, सही है, क्लियर हो, नीचे क्या जाएगा x स्क्वायर प्लस क्या 400x और यहाँ जाएगा 2/3, x x क्या जाएगा कैंसिल हो जाएगा, देख लो भैया ये आ जाएगा क्या यार, ये आ जाएगा सर कैंसिल होके 800, देख लो भैया, तो x स्क्वायर प्लस क्या 400x इज इक्वल टू 8 × 4 = 32 96 पे चौपल 0, देख लो भाई 4 0 होगा ना, हाँ सर,
इधर ले आओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या 400x माइनस 96 पे कितना 40 इज इक्वल टू क्या 0। देख लो भाई, तो 1200 माइनस 800 कर दें, है ना, फैक्टराइज हो जाएगा, तो x प्लस 800 और x माइनस क्या 400। कर लो स्पीड खुद से, 1200 माइनस 800, तो यहाँ पे 1200 आएगा यार, यहाँ पे 1200 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 800। 1200 माइनस 800 400 होता है, इंटू करने पे उतना आ रहा है, तो x की वैल्यू माइनस में आएगा वो नहीं चलेगा, x वैल्यू कितना आ जाएगा 800 किलोमीटर क्या पर आवर, यही उसकी यूजुअल स्पीड है, किसकी, प्लेन की। देख लीजिए भैया, देखो समझो निहारो लिखो उसके बाद, सही है, हाँ सर मिटा रहा हूँ भाई, कोई समस्या? नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आसान ही है, अगर दिमाग लगाओ तो बन जाएगा, सही है, हवड़ा हो तो नहीं बनेगा, मिटा रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, ठीक है, हाँ सर। अब ध्यान दियो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, ध्यान देना भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रेन ट्रेवल्स एट ए सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर। एक ट्रेन है तो उसका स्पीड फाइंड करना है, तो स्पीड कर लो, लेट स्पीड कितना है ट्रेन का, स्पीड x किलोमीटर पर आवर, तो ट्रेन को जाना है 63 किलोमीटर, कितना जाना है 63 किलोमीटर, है ना, और यहाँ स्पीड कितना है x किलोमीटर क्या पर आवर, सही यहाँ तक, हाँ सर। एंड देन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर, उसके बाद भी वो ट्रेवल किया कितना 72 किलोमीटर, यहाँ से आ गए, यहाँ से आगे वो कितना चला 72 किलोमीटर, सही है। इसके बारे में क्या बोला गया, एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर मोर, मतलब पहले x था, अब स्पीड कितना कर दिया वो x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर क्या कर दिया, बढ़ा दिया, देन ओरिजिनल स्पीड इट टेक्स 3 आवर्स टू कंप्लीट जर्नी, मतलब A से C तक पहुँचने में वो कितना टाइम टोटल ले लिया 3 आवर्स, आपको बताना है फाइंड इट्स ओरिजिनल स्पीड। सुन लो, तो यहाँ का टाइम कितना हो जाएगा A से B तक जाने में 63 बाई एक्स हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड हो जाएगा, और वहाँ का टाइम टोटल टाइम दिया है भाई 72 बाई एक्स प्लस 6, और ये दोनों टाइम मिला के कितना बोला गया है 3 आवर्स, कितना बोला गया है 3 आवर्स, सही है, कोई दिक्कत? नो सर। यहाँ से चाहें तो आप 9 कॉमन ले सकते हैं, सबसे पहली बात 9 कॉमन लीजिएगा तो 7 बाई एक्स बच जाएगा, यहाँ 8 बाई एक्स प्लस 6 कॉमन लेने से फ़ायदा ये होगा कैलकुलेशन में आपका टाइम बचेगा, सही है। देख लो भैया, हाँ सर, अब ले लो LCM ले लो, कितना हो जाएगा ध्यान देना, 7x प्लस 42 और प्लस 8x यानी 15x प्लस 3 इंटू कितना 15x प्लस क्या और कितना यार 7x और प्लस 42 है, हाँ 15x प्लस 42 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई नीचे में आ जाएगा x स्क्वायर प्लस क्या 6x और दैट इज इक्वल टू क्या 1। देख लो भैया, x स्क्वायर प्लस 6x की जो वैल्यू आ जाएगी 45x और माइनस 126 हो जाएगा, देख लो भाई, सही है, इसको उधर ले आओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 39x प्लस 126 इज इक्वल टू क्या 0। कुछ गलती हो गया है, यहाँ पे प्लस आएगा यहाँ माइनस हो जाएगा, आपको कैसे पता लग जाता है पहले ही सर गलती हो गया है, है ना, आप याद करके आते हो ऐसा लग रहा है। अब देखो इसको लिख दो माइनस 42x प्लस 3x, माइनस 39 आ जाएगा और इंटू करने से आ जाएगा उतना माइनस 126, ठीक है, तो x माइनस 42 और x प्लस 3 में क्या हो जाएगा ये ब्रेक हो जाएगा, सही है, तो x की एक वैल्यू क्या आ जाएगी 42 और दूसरा माइनस में, वो तो चलेगा नहीं, स्पीड माइनस में होता नहीं, तो ये हो जाएगा 42 किलोमीटर क्या बराबर, लिख ले भैया। तो ये था आपका क्या डिस्टेंस स्पीड रिलेटेड प्रॉब्लम, अगले क्लास में अपन एज प्रॉब्लम करेंगे, एज वाले जैसे बाप बेटा से बड़ा है इतना है ऐसा वाला क्वेश्चन ना, तो लिख लें, और जितने भी क्वेश्चन RD शर्मा में दिए हुए हैं डिस्टेंस स्पीड रिलेटेड उसको आपको कर लेना है, सही है, हाँ सर।